सुबह की शुरुआत होती है हमारी क्लास से। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलती है हमारी क्लास। क्लास खत्म होने के बाद हमारा शुरू हो जाता है श्रमदान। परसों है 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, तो हम कर रहे हैं साफ सफाई। तो देखिए यहाँ 15 अगस्त की 26 जनवरी में जो झंडे लगाने का स्थान होता है उसमें साफ सफाई हो रही है। पुरुष पटवारी और महिला पटवारी एक साथ मिलकर कर रहे हैं साफ सफाई। देखिए कैसा बनता है हमारा 15 अगस्त परसों, देखेंगे आप हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों देखिए मैंने अपने दोस्त की बुलेट छुपा दी है यहाँ पे। क्लास खत्म हो गई है, अभी वो जिम करने जाता है, वो वहाँ पे रखे रहता है गेट के पास में। तो वो गेट के सामने रखे रहता था अपनी बुलेट। चाचा अभी तक आया नहीं है, अब उसका रिएक्शन देखते हैं। क्या क्या हो गया, जिम जा रहे हो? मुझे क्या पता गाड़ी का आई, तुझे कैसे पता चला यार मैंने वहां रखी है? तुझे कैसे पता चला बता ना। मेरी शक्ल देख के मैं हंस थोड़ी रहा था फिर। तो अभी हम चल दिया वॉक करने, जीवन चल दिया जिम करने बुलेट में, लेकिन मेरा बुलेट का क्या बोलते हैं प्रैंक सफल नहीं रहा। मैंने उसकी बुलेट छुपाई थी लेकिन उसने एक ही बार में पहचान लिया यार, कैसे हमसे प्रैंक नहीं हो पाता क्या? देखते हैं नेक्स्ट टाइम किसी का प्रैंक बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम इससे भी बड़ा प्रैंक होगा तुम्हारे साथ। देखिए हम वॉक करते करते आ गए खेतों में। ये देखिए फूल हरे हरे, ये इसका पेड़ है, हरी भरी सब्जियों के साथ और गुलाबी गुलाबी फूल, बैगनी बैगनी, ये इसको कौन सा कलर करते हैं? इसकी खुद बोलो एक बार, ये कलर क्या है तो बताओ। गजब महकरा, पिंक। पिंक नहीं है यार, पर्पल कलर है। पर्पल ये होता है, पिंक पर्पल है। चलो कौन सा, ये अभी देखते हैं यूट्यूब में जो वीडियो देख रहे हैं ना इसको वो बताएंगे पर्पल है पिंक है। ये पिंक वाले हैं लग रहा है, कभी तुम किसी पिंक तोता कलर, तोता कलर है। तोता ये नहीं है, ये पर्पल बोलते हैं इसको। पिंक कलर वो होता है जो खुशबू लड़कियों को पसंद होता है, ये थोड़ी होता है वो। गजब महक रहा है यार, लो अपनी शादी में सजाना, ये सब ले जाओ फूल, ठीक है? देखिए मक्के भी लगने शुरू हो गए यहाँ पहाड़ों में, वाव। तो देखिए सामने हमें दुकान दिख गई है, वॉक करते करते हम गए हैं थक, अभी खाएंगे यहाँ पे दुकान में फ्रूटी और नमकीन। और ये देखिए सुबह हॉस्पिटल हल्द्वानी, ये हॉस्पिटल सुबह को खुलता है क्या, शाम को रात को कोई इलाज कराने आएगा? होगा या नहीं होगा ये सवाल है कमलेश जी का। सुबह नाम है उसका यार। अच्छा सुबह नाम है लेकिन रात को खुलेगा ना? चलो ठीक है बढ़िया है। जो ये डॉक्टर भगुना जी हैं जरूर बताएं, ये रात को भी खुलता नहीं खुलता, शाम को खुलता नहीं खुलता, दिन में खुलता नहीं खुलता, ये होती है शरीफ लोगों की पार्टी। कभी भी कुछ चाहे जॉब लग जाए चाहे कुछ हो जाए, हमेशा रोटी ऐसी पार्टी करनी चाहिए, कभी भी गलत संगत में कभी नहीं पड़ना चाहिए। जब से मेरी संगत में आए ना, ये तो पहले से सही थे लेकिन फिर भी इनको और सही बना रहा हूँ मैं, ठीक है? ये पीना कभी भी पीना तो ठीक है। इसके अनड़ पोटिया निचोड़ के हमने इसका जूस निकाल दिया, फिर भी आप लोगों की रोटी निचोड़ निचाड़ के खत्म हो गई है ना, तो इस डंडे को छोटे वाले हिस्से को अब ऐसे करके डालिए, तो इसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ जो माल होगा ना वो भी निकल जाएगा। इसको छोटा वाला हिस्सा अंदर डाल दीजिए, ये लंबा वाला बाहर, ठीक है? अब ये अभी बचा हुआ भी निकल जाएगा, तो बचा हुआ भी निकाल दें, देखा? मानते बात को, अपने खा लिया उसको पचाने के लिए भी सबने खाई है कि चॉकलेट डेयरी मिल्क, इससे जो हमने खजर बचा खाया पिया नमकीन वमकीन कोल्ड ड्रिंक इससे भी पच जाएंगे। इवनिंग वॉक करते करते हो गई है शाम और हम पहुंच गए करेले की खान। ये है हमारा नाइट करेला मिशन जिसको तोड़ने के लिए हमने चाचा से परमिशन। तो जो कैमरा मैन है वो अभी सब्जी बनाएंगे, मेरा काम काटना है, हमने 12 लगा रखा है, काटूंगा मैं तो बनाएंगे वो, अभी उनको बनाते हुए दिखाएंगे आपको। देखिए क्या करेला है, देखिए कसम से ये करेला आपने कभी देखा भी नहीं होगा, इतना तगड़ा करेला, जो कोरोना वायरस होता है ना उसकी तरह। हे करेला हो, करेला हो, अकेला हो, अकेला हो, इस जैसा थकेला हो तो मेरे गले में धकेला हो। बहुत बढ़िया, क्या बनाते हैं आपको करेले की सब्जी अच्छी लगती है? तभी तो लाएंगे। ये है हमारे ऑलराउंडर जो आपने देखा होगा हर वीडियो में, कभी इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं, कभी अभी देखो आज कटिंग वाले बन गए, कैटरिंग वाले, और कभी प्लम्बर बन जाते हैं। बहुत बढ़िया हमारे भाई साहब है, इन 10 साल रुद्रपुर में
फैक्ट्री में काम किया, क्या बोलते हैं सिडगुल में, और तब जाके पटवारी की जॉब निकाली। सोचो प्राइवेट जॉब करने के बाद सिडगुल में आज ये पटवारी है, कितनी मेहनत की होगी। दिन भर 12 घंटा ड्यूटी, रात को पढ़ते थे। इनकी कहानी एक दिन सुनाऊंगा मैं आपको, इनकी सक्सेस की कहानी। मेरा भाई रहता है अकेला और पसंद करता है सबसे ज्यादा करेला। और पहली बार जींस का भी जिक्र कर दो। पहली बार इन्होंने पहनी है जींस, मतलब कुछ तो है यार भाई, यार जींस में है। जब से पटवारी की ट्रेनिंग चली है 1 साल होने वाला, पहली बार जींस पहनी है भाई ने। क्यों समझ गया। सब्जी देखिए बहुत टेस्टी सब्जी बनाते हैं ना जी। यार थोड़ा दाढ़ी के बाल संभाल के यार, कि सब्जी में ना गिर जाए यार। और इसी के साथ करता है ब्लॉग की समाप्ति। जय हिंद जय भारत।